अस्सलाम वालेकुम। आज हम आ चुके हैं वापस से इस्तेमागा पर। आप देख सकते हैं हमारे पीछे इस्तेमागा इस्तकबाल नंबर एक पर। हम पहले भी आए थे तो आपको बताया था कि हम फर्स्ट बार आए थे, आज सेकंड बार आए। आप लोग चाह भी रहे थे कि हम वापस से जाएं और इस्तेमा की वीडियो दिखाएं और सबको सब कुछ बताएं कि पार्किंग कहाँ है और सब कुछ कहाँ है। तो आज जमात का आने का फर्स्ट डे है, जुमेरात है, आज 7 तारीख है। तो आज से जमात आना स्टार्ट हो जाएंगी और कल कुछ ज़्यादा ही लोग यहाँ पर आ चुके होंगे, तो हम देखेंगे आज कितना ज़्यादा जमात आएंगे। तो चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं। तो हम आ चुके हैं आगे वाले गेट पर और यहाँ पर देख सकते हैं आप पार्किंग A1, A2, A3 है और ये मेन गेट है जो पहले हमने वीडियो में देखा था। यहाँ से ही अंदर गए थे तो यहाँ से ही फिर से हम अंदर जाएंगे और दिखाएंगे हम आपको। और बाकी आगे आप देखते हैं ना वीडियो में, अभी काफ़ी जमातें आ जा रही हैं और पुलिस भी काफ़ी लग चुकी है गाड़ी यहाँ पर, देखना आप। चलते हैं हम अंदर और अभी हम अंदर जा रहे हैं वहाँ उस वाले। अब पहले उस वाले गेट से आए थे तो अब इस वाले गेट से अंदर जा रहा है, देख सकते हैं आप। अभी थोड़ा बहुत काम चल रहा है वहाँ पर, ट्रेन वगैरह का ऐसा कुछ नहीं है, वैसे तो काम तो पूरा हुआ है चल रहा। तो अभी ट्रेन वगैरह पूरे लग गए और थोड़े बहुत और जो भी इंतजाम हो रहा है अभी हो रहा है धीरे धीरे। और जमातें आ रही हैं आप देख सकते हैं, जमातें आ चुकी हैं और कल तक और ज़्यादा जमातें आएंगी, बाकी आखिरी दिन तो सबसे ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। तो अभी थोड़ा बहुत खाली और गाड़ी भी अभी अंदर जा रही है हमारी, बट कल से गाड़ी शायद नहीं जा पाए अंदर। तो हम आ चुके हैं आरिस भाई के साथ, आज हमारे साथ आरिस भाई हैं और हम आ चुके हैं इस्तकबाल नंबर 3 पे। आज पूरा बाहरी बाहर से हम घूम रहे थे तो आज यहाँ से अंदर जाएंगे हम। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं बिरयानी का स्टॉल लग चुका है, दुकान लग चुकी है, होटल लग चुकी है, सब कुछ लग चुका है यहाँ पर खाने पीने का। यहाँ पर पेलेटी लेकिन अब यहाँ पर खाने की चीज़ें लग रही हैं। तो हम धीरे धीरे अंदर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हम अंदर जा रहे हैं धीरे धीरे। देख सकते हैं जमात आ रही है धीरे धीरे और आती जा रही, बढ़ती जा रही है पब्लिक यहाँ पर। बैतुल खला और वजू खाने का काम अल्हम्दुलिल्लाह पूरा हो चुका है और अभी आगे भी देखेंगे कितना काम बच गया है। बाकी काम तो पूरा हो चुका है, आज क्या है आज से आना स्टार्ट है जमात का। हम अंदर आ चुके हैं और हमारे आरिफ भाई ये ना रिपोर्टिंग कर रहा है हमारे साथ में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ जमातें आ भी चुकी हैं और आज रात तक ये पंडाल फुल देखेंगे आपको। तो पिछली वीडियो में आपने देखा था यहाँ पर पंडाल बिल्कुल लगे नहीं थे, तो आज पूरे लग चुके हैं, देख सकते हैं आप पीछे हमारे जो वहीं पर है जहाँ पर हमने पहले स्टार्ट किया था। और पहले वीडियो में हम पिंक टी शर्ट पहन के आए थे, आपने देखा था, आज भी हम पिंक टी शर्ट पहन कर आ गए। तो अभी हम और अंदर दिखाते हैं हम आपको, क्या है कि यहाँ पर ज़्यादा वीडियो बनाने का वो नहीं है, वीडियो नहीं बना सकते आप, बट थोड़ी बहुत बना सकते हैं इसे, बट ज़्यादा वीडियो नहीं बना सकते। तो अभी हम आपको अंदर भी दिखाएंगे, तो चलते हैं हम अंदर और देखना आप। तो देखिए आप पहले क्या है, यहाँ पर काम ज़्यादा हुआ नहीं था जिस दिन हम आए थे, उस दिन यहाँ पर भी पंडाल नहीं लगे थे और यहीं पर हमने बिरयानी खाई थी, यहाँ पर बिरयानी की खाई थी, यहाँ पर बट रही थी जो फ्री की बिरयानी मेन वही। और अभी अंदर जा रहा है देखो आप, ये टॉयलेट वगैरह यानी काम तो पूरा अल्हम्दुलिल्लाह हो चुका है। मिलेंगे जहाँ से आप पूछताछ करना चाहें तो चेक पॉइंट वगैरह या पूछताछ पॉइंट या फिर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ पे आप बता सकते हैं क्या समस्या आ रही है। इस तरह के ब्लॉक मिल जाएंगे जहाँ पे आपके लिए मदद के लिए लोग बैठे हुए हैं। और यहाँ पे आप दोबारा देख सकते हैं खाने और वजू खाने बने हुए हैं और ये मेन पंडाल है मेरे राइट हैंड की तरफ जो आप देख रहे हैं। यहाँ पे ज़्यादातर भोपाल के हलके बने हुए हैं और जो मेरे लेफ्ट हैंड पे आप जो ब्लॉक देख रहे हैं ब्लॉक बी, यहाँ पे आप देख सकते हैं और इंडिया जमातों के रुकने का इंतज़ाम है। और जो बैरून की जमातें विदेश की जमातें वो मस्जिद के अंदर रहेंगी। ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं, जो मीनारें देख रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर वाले एरिए में विदेश की जमातें रहेंगी। पिछले बार तो विदेश की जमातें नहीं आई थी कोरोना के प्रोटोकॉल के तहत, लेकिन इस बार सरकार की तरफ से परमिशन दी गई है, जमातें आएंगी। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बयान चल रहे हैं मौलानाओं के, क्योंकि कुछ जमातें आ चुकी हैं। अब रात तक पूरा पंडाल भर चुका होगा और ये मेन स्टेज है, ये आप देख रहे हैं मेन स्टेज है ये, यहीं से बयानात होंगे और
चौथे दिन पीर के दिन दुआ के साथ इज्तिमे का समापन भी यहीं से होगा। मौलाना साहब के माध्यम से दुआ कराई जाएगी और इज्तिमे का समापन किया जाएगा और कई जमातें यहाँ से बन के अपने अपने क्षेत्रों में जाने के लिए रवानगी करेंगी। तो स्टेज के सबसे आगे सीहोर, इस बार सीहोर को जगह मिली है। ये चेंज होते रहते हैं, ज़रूरी नहीं कि कोई एक ही क्षेत्र के लोग यहाँ पे परमानेंट रहें। समंदर और ये आउटसाइड में जा रहा है वापस इस्तकबाल नंबर 3 पर, और अभी जमातें आती जा रही हैं और रात तक भी आ रही हैं। यहाँ से चले भंडारी अंदर से जा रहा है। पंडाल लग चुके हैं, उस दिन लगे नहीं थे, पूरे पंडाल अकेला काम बचा था, लेकिन अब पूरे लग कर कल से जमात आ जाएगी और बयान स्टार्ट हो जाएंगे और सब कुछ यानी सब कुछ चालू हो जाएगा कल से। तो यहाँ पर देख सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरा काम हो चुका है। लोग रायसेन की जमात रुकी है यहाँ पर रायसेन की जमात पर रुकने का है और सुल्तानपुर इस तरफ का नहीं लगा अभी कुछ ब्लॉक है। चाय 10 रुपए नाश्ता, चाय कितने रुपए यहाँ बेचते हैं, हमें आए सभी हजरात को इस्तेमाल करते हैं और खिदमत में मस्जिद हमीदिया की तरफ से चाय। और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जो लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं कहां से आऊं और कहां से जाऊं, तो मैं आपको ये बताऊंगा कि ये रेलवे स्टेशन, भोपाल रेलवे स्टेशन के 6 नंबर प्लेटफॉर्म से आप कहीं से भी आएंगे, कहीं से भी कोई से भी सिटी से आएंगे तो आप 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आ जाएंगे तो यहां से कोई भी रिसीव करेगा, क्योंकि यहां पे सब कुछ वेलकम के लिए लगाया जाएगा। यहां पे इस्तेमाल आके जो भी लोग आएंगे जमात के लिए, तो यहां पे इस्तकबाल के लिए रखा गया है, पूरा इंतजाम इस्तकबाल के लिए है। आप कहीं से भी आएंगे 6 नंबर पर आएंगे और आपको यहाँ पर अच्छे से आराम करने के लिए और खाना पीना सब कुछ दिया है, सब कुछ प्रोवाइड है यहाँ पर और आपको इज्तिमा गाह तक आराम से पहुँचाया जाएगा। तो आप कहीं से भी आएँ, 6 नंबर प्लेटफॉर्म पे आए भोपाल स्टेशन पर, देख सकते हैं मेरे पीछे। और जो लोग मुझसे कह रहे थे कि इज्तिमा गाह का मैप वगैरह, तो मैं आपको मैप भी इस वीडियो में डाल दूंगा, इमेज डाल दूंगा मैप की, तो आप मैप भी देख लेना। तो देख सकते हैं आप, मैंने मैप डाल दिया, आप वीडियो को पुश करके मैप देख सकते हैं पूरा, और आप एरिया वगैरह जहाँ पर भी आपको जाना है और रोड वगैरह आप सब कुछ देख सकते हैं। इस मैप में मैंने सब कुछ दिखा दिया है, जिस जिसको मैप चाहिए था तो आपको इस मैप, मैंने मैप डाल दिया, तो आप देख सकते हैं ये मैप में सब कुछ आपको मिल जाएगा और रोड वगैरह बाकी जो भी आपका खत्ता नंबर और एड्रेस जो भी आपका एरिया चाहिए वो आपको मैप में दिख जाएगा। तो और आपको मैंने बताया नहीं था कि मेरे रेलवे स्टेशन पर आने का, क्योंकि मेरा मूड नहीं था, मैं डायरेक्ट घर जा रहा था, बट रास्ते में मैंने सोचा कि रेलवे स्टेशन 6 नंबर प्लेटफॉर्म को भी दिखा दूं जहां से इस्तकबाल के लिए लगाया गया है, पूरा इंतजाम किया गया है इस्तकबाल के लिए। तो आप लोग आएँ, बेफिक्र होकर आएँ, इंशाल्लाह आपको भोपाल वालों की तरफ से और हमारी तरफ से अच्छे दिल ही इस्तकबाल किया जाएगा और पूरा इंतज़ाम किया जाएगा। तो आइए इंशाल्लाह मिलेंगे इस्तेमे में इंशाल्लाह ज़रूर। चलिए मिलते हैं दोबारा से नई वीडियो के साथ, इंशाल्लाह लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को।